हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फोर फॉर योर अपकमिंग एग्रीकल्चर एग्जाम्स इन प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो चलिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट फोर है उसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है the type of agro ecosystem which is characterized by low erratic rainfall with high coefficient of variation and frequent droughts in india to so, agro ecosystem ऐसी कौन सी एग्रो इकोसिस्टम है जिसमें जो है बहुत कम रेनफॉल होती है और फ्रिक्वेंटली जो है ड्रॉट्स उस एरियाज़ में देखने को मिलते हैं या फिर उस इकोसिस्टम में तो इसके आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन है, है इिगेटेड एग्रो इकोसिस्टम ऑप्शन बी कोस्टल एग्रो इकोसिस्टम ऑप्शन सी रेनफ एग्रो इकोसिस्टम या ऑप्शन डी एरिड एग्रो इकोसिस्टम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एरिड एग्रो इकोसिस्टम तो एरिड एग्रो इकोसिस्टम जो है इसमें आपकी जो है रेनफॉल बहुत कम होती है और ड्रॉट जो है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायो फर्टिलाइज़र विच इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल फॉर नॉन लेग्यूमिनस एज वेल एज़ फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स सो ऐसा कौन सा बायोफर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन फिक्सर है यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो बेनिफिशियल है फॉर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड एज वेल एज़ वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए तो इसके आपके ऑप्शनस है ऑप्शन ए राइजोबियम ऑप्शन बी फॉस्फरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑप्शन सी अजोटोबैक्टर या ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन अल्गी तो इसका राइट right आंसर है आपका अजोटोबैक्टर यहाँ पर नॉन लेग्यूमिनस लिखा है इसलिए अजोटोबैक्टर आएगा अगर यहाँ पर ही लेग्यूमिनस होता तो फिर आप सभी को पता है तब राइजोबियम आंसर होता देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हेज़ लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी तो दिए गए जो हॉर्टीकल्चरल क्रॉप्स है उसमें से लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो कौन से क्रॉप्स की होती है तो इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रूट क्रॉप्स ऑप्शन बी वेजिटेबल क्रॉप्स ऑप्शन सी स्पाइसिस क्रॉप्स ऑप्शन डी मेडिसिनल क्रॉप्स तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी मेडिसिनल क्रॉप्स तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो है मेडिसिनल क्रॉप्स की जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे लोवेस्ट होती है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ट्रा ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हेरो तो ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हेरो जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है तो इसके ऑप्शनस है आपके ऑप्शन ए वन हेक्टेयर पर डे ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव हेक्टेयर पर डे ऑप्शन सी टू हेक्टेयर पर डे या ऑप्शन डी थ्री हेक्टेयर पर डे तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव हेक्टेयर पर डे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सहीवाल काऊ हैज़ विच बॉडी कोट कलर अमॉन्ग द फॉलोइंग तो सहीवाल काऊ जो है उसका बॉडी का कोट कलर जो है वो कौन से कलर का होता है तो इसके आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्लैक ऑप्शन बी वाइट ऑप्शन सी येलो या ऑप्शन डी रेड तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन डी रेड कलर तो सहीवाल काऊ का जो बॉडी कोट कलर होता है वो रेड कलर का होता है रेडिश रेडिश टू ब्राउनिश कलर जो है इसका कलर होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप्स इन विच द वाइन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर तो ग्रेप्स में जो ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम जिसमें वाइन्स जो होती है वो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होती है तो ऐसे कौन से ट्रेनिंग सिस्टम में होता है तो इसके आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए बोअर सिस… बोवर सिस्टम ऑप्शन बी टेलीफोन ट्रेनिंग सिस्टम ऑप्शन सी निफिन ट्रेनिंग सिस्टम या ऑप्शन डी ओवरहेड ट्रेनिंग सिस्टम तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बोवर ट्रेनिंग सिस्टम तो बोवर जो ट्रेनिंग सिस्टम है ग्रिप्स में जिसमें जो है वाइन्स जो है वो कनेक्टेड रहती है एक दूसरे के साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इन ओकरा तो ओकरा में जो है फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है तो इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वन थाउजेंड मीटर ऑप्शन बी फोर हंड्रेड मीटर ऑप्शन सी टू हंड्रेड मीटर या ऑप्शन डी वन हंड्रेड मीटर तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी फोर हंड्रेड मीटर तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए इन द केस ऑफ ओकरा या फिर लेडीज फिंगर की अगर बात करेंगे तो उसमें फोर्टी सॉरी फोर हंड्रेड मीटर होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आई पी एम यानि कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ट्रैप मेल इंसेक्ट्स तो मेल इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए जो है कौन से ट्रैप्स का यूज़ किया जाता है इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो इसके आपके ऑप्शनस है ऑप्शन ए फोमिन ट्रैप्स ऑप्शन बी लाइट ट्रैप्स ऑप्शन सी केज ट्रैप केज ट्रैप, ट्रैप्स ट्रैप, या ऑप्शन डी ग्ल्यू ट्रैप्स तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए फोमिन ट्रैप्स तो फिरोमिन ट्रैप्स जो है ये मेल इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑयल केक इज़ यूज टू प्रिवेंट प्रीडटरी फिशेज तो प्रीडेटरी फिशेस को प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऑयल केक का यूज़ किया जाता है तो so, इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉटन केक ऑप्शन बी नीम ऑयल केक ऑप्शन सी ग्राउंडनट केक या ऑप्शन डी महुआ केक तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन डी महुआ केक तो महुआ केक जो है ये यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट प्रीडेटरी फिशेज द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू ए जोन ऑफ एलुविएशन तो जोन ऑफ एलुविएशन जो है वो किस हॉरीजोन को कहा जाता है तो इसके आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हॉरीजोन ऑप्शन डी बी हॉरीजोन ऑप्शन सी आर हॉरीजोन या ऑप्शन डी ओ हॉरिजोन तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी बी हॉरीजोन तो बी हॉरीजोन को ही जो है एलुवियल हॉरीजोन कहा जाता है या फिर जोन ऑफ एलुविएशन ये भी कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी कि क्रीडा जो है इट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद इट वॉज इस्टैब्लिश्ड इन द ईयर तो क्रीडा जो है ये हैदराबाद में लोकेटेड है तो इसका इस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है तो इसके आपके ऑप्शनस है ऑप्शन ए नाइनटीन सिक्सटी फाइव ऑप्शन बी नाइनटीन एटी एट ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 2002 तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन सी 1985 तो क्रीडा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1985 में हुआ था तो कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है तो उनका फुल फॉर्म या फिर उनके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको वो भी याद करते हुए चलना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी इस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट तो इंडिया में जो है फ़र्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टब्लिश की जाएगी तो ये कौन से स्टेट में इस्टैब्लिश की जाएगी तो इसके आपके ऑप्शनस है ऑप्शन ए देहरादून ऑप्शन बी तेलंगाना ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी तेलंगाना तो इंडिया की जो है फ़र्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो तेलंगाना स्टेट में जो है इस्टेब्लिश की जाएगी इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि इट इज़ थर्ड इन द वर्ल्ड तो वर्ल्ड में जो है ये थर्ड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी इसके पहले एक यूनिवर्सिटी एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी रशिया में है और एक चाइना में है और इंडिया विल बी थर्ड और ये इंडिया की फर्स्ट है और वर्ल्ड की थर्ड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है द नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है तो इसके आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए मिजोरम ऑप्शन बी झारखंड ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर परिक्रमा वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़िशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेरिंग टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ कोस्टल फ़िशर फॉक्स इट वॉज लॉन्च्ड ऑन तो सागर परिक्रमा ये जो है लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ताकि जो प्रॉब्लम्स है कोस्टल फ़िशर फॉक्स के यानी कि जो फ़िशर मैनस हैं इन द कोस्टल एरिया उनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए ये सागर परिक्रमा जो है लॉन्च किया गया है तो ये कब लॉन्च किया गया था इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइव मार्च ट्वेंटी ऑप्शन बी 12 जून ट्वेंटी ऑप्शन सी थर्टी वन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ऑप्शन डी थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इसका आपका राइट right आंसर है ऑप्शन ए फाइव मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो सागर परिक्रमा जो ये लॉन्च किया गया था इट वॉज लॉन्च ऑन फिफ्थ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिय इज नॉट चेकड अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड तो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंडर जो है कौन सा न्यूट्रिय को चेक नहीं किया जाता है तो इसके आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोटेशियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी बोरॉन तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ये जो न्यूट्रिएंट है इसको चेक नहीं किया जाता है अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड तो ये रहे आपके आज के फिफ्टीन क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो पे कमेंट करिए अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अगर आपको हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो